बोलिए सद्गुरु देव की जय। सबका चित्त त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का या दूसरा दिन का पहला सत्र, जिसमें हम लोग अभी गुरुवाणी का पाठ भजन गायकों के द्वारा और हमारे साथी के द्वारा बहुत थोड़े समय में कर्मों पर बहुत सुंदर विचार हम लोग श्रवण कर रहे थे, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, थोड़ी चर्चा आपके बीच प्रस्तुत है। चर्चा करने के पहले जरा जोर से जयकारा तो लगाएं, जिससे हमारी आवाज़ गली चौराहे मोहल्ले में आवाज़ जाए और लोग सुने कि चलो भाई कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं, आए। जरा जोर से लगाएं, बोलिए सतगुरु अभिलाष साहेब की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मंचासीन मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बहुत दिन के बाद इस गांव में प्रयागराज इलाहाबाद से ये संत समाज रूपी तीर्थ आपके गांव में आए हैं। आप प्रयागराज जाएंगे तो कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, धन का खर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब प्रयागराज जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन आपके गांव में ये संत समाज रूपी प्रयागराज आपके गांव में आ गया है, और ये चलता फिरता हुआ ये तीर्थराज प्रयाग हैं। गोस्वामी जी की वाणी आप लोग को याद है, मुद मंगलमय संत समाजो और जो जग जंगम तीर्थ राजो, जहाँ संत तह तीरथ राजो, जहाँ राम तह अवध निवासो। ये संत समाज कैसा है, प्रसन्नता को देने वाला है और चलता फिरता हुआ जंगम तीर्थ है। जहाँ संत है वहाँ तीर्थ है और जहाँ राम है वहाँ अयोध्या। अब ये ऐसा तीर्थराज प्रयाग है, इसमें स्नान करने से, इस जंगम तीर्थ में आने से मन का जो विकार है, मन का जो मैल है, मन का जो दोष है, वो दूर होते हैं। दुनिया में कहीं आप घूम आइए, आपको ऐसा साधन मिलना बड़ा कठिन है। इसीलिए संतों और सत्संग की महिमा सभी ग्रंथों में महिमा की गई है, और ये संत समाज चलता फिरता हुआ जंगम तीर्थ, और इसमें जो सुख मिलता है, जो निमज्जन करने वाले वही उसका अनुभव करता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान दुख नहीं और संतों के मिलने के समान सुख नहीं। वो तो महाकवि थे, काव्य शक्ति थे, राजा मिलने के समान दुख सुख नहीं,
पंडित विद्वान मिलने के समान सुख नहीं, धन वैभव के मिलने के समान सुख नहीं, वो कह सकते थे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान दुनिया में दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान सुख नहीं। ठीक कबीर साहब गोस्वामी जी के पहले हुए हैं, वे भी यही बात कहते हैं। महापुरुषों की विचारधारा चाहे वह भिन्न देश भिन्न काल में क्यों ना उनका जन्म हो, लेकिन भिन्न देश काल और परिस्थिति के बावजूद भी विचारधारा मिल जाती है। कबीर साहब कहते राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। राम ने बुलावा भेजा, आओ स्वर्ग खाली है, या संदेशा पा करके कबीर साहब को रुलाई आ गई। वो कहते हैं जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए, जो सुख साधु संग में वो वैकुंठ में नहीं है। आप कहें कि कबीर साहब वैकुंठ और जन्नत और स्वर्ग वो तो मानते नहीं है, सही बात, आपका कहना सही बात। इस धरती के अलावा आप कहीं भी जाएं, आपको न कहीं वैकुंठ मिलेगा न ही स्वर्ग, कहीं स्वर्ग मिलेगा। और मुसलमानों के अनुसार न कहीं जन्नत है न कहीं बिहस्त है। जहां जाने से कुछ न मिले उन्हें जन्नत कैसे कहा जाए, उसे स्वर्ग कैसे कहा जाए। वस्तुतः ये सत्संग ही असली जन्नत है, असली स्वर्ग है। स्वर्ग का लाक्षणिक अर्थ है सुख, आध्यात्मिक अर्थ है स्व कहते खुद को, ग कहते गमन, आत्मा की ओर लौट आना, ये है असली असली स्वर्ग। वैकुंठ कुंठा रहित ग्रंथि रहित मन का हो जाना, ये है वैकुंठ वास। देखो इस समय आप हम सब स्वर्ग में वास कर रहे हैं, मन में किसी प्रकार के अभी कोई मन में कोई ग्रंथि नहीं, न किसी के ईर्ष्या न किसी की साथ भैर और विकार यहाँ कुछ नहीं है। मन में केवल एक ही विचार चल रहा है सत्संग में, इसके समान सुख कहाँ। असली जन्नत असली स्वर्ग ये सत्संग है, अथवा मन को निर्मल बना लें पवित्र बना लें, ये असली जन्नत होगा असली स्वर्ग होगा। और परिवार में जन्नत परिवार में स्वर्ग होगा, जहाँ एक दूसरे को देख करके प्रसन्न होता हो मन, जहाँ ईर्ष्या ना हो क्लेश ना हो पीड़ा ना हो दुख ना हो संताप ना हो, वो है जन्नत वो है स्वर्ग। तो मन को हमें निर्मल बनाना है, और परिवार में प्रेम और एकता और संगठन बनाना है, ये जन्नत है। जहाँ बैर विरोध है कला कल्पना है ईर्ष्या द्वेष है, समझ लो वहाँ ही नरक है, वहाँ ही दोजख है, वहाँ ही दुख है। बात यहाँ से उठी थी, कबीर साहब कहते हैं जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए, जो सुख साधु संग में है वो वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ तो एक काल्पनिक अवधारणा है, ना कोई वहाँ गया है ना वहाँ जा करके यहाँ बताया हो। कबीर साहब इस संदर्भ में कहते हैं ना कोई देखा आवता ना कोई देखा जात, स्वर्ग नरक और देव की गोल मोल होई बात। किसी ने वहां से आकर के कहा है कि स्वर्ग ऐसा होता है, यो तो पौराणिक कथा में पंडित जी यही कहते हैं व्यास गद्दी में बैठ करके कि स्वर्ग में जो जाएगा
स्वर्गीय जीव स्वर्ग में जाएगा, उन्हें बुढ़ापा नहीं आएगा और वहां पसीना भी नहीं आएगा। यहाँ तक कहा जाता है टट्टी पेशाब भी नहीं जाना होता है, वहां दूध की नदी, दध की नदी, शहद की नदी, वहां केवल जवान जवान ही रहा जाता है, बुढ़ापा नहीं आता है। कभी कबीर साहब ने इस संदर्भ में कहा, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। ये पंडित व्यास गद्दी में बैठ के बखान करते हैं कि स्वर्ग में जाएगा वह, दिव्य काल तक सुख भोगेगा, पुराण तो बाज रहे हैं लेकिन बिन देखे का वो बखान कर रहे हैं। अलग से कहीं इस धरती के अलावा जन्नत नहीं, कहीं स्वर्ग नहीं है, इस सत्संग में आना है। सत्संग में स्वर्ग सुख जो है वो अवर्णीय है। यहाँ मन की सारी गांठें, मन की ग्रंथियां यहाँ कटती है और निश्चित है ये असली जन्नत, ये असली स्वर्ग है, ये संत समाज, ये शीतल छाया है। कबीर साहब कहते हैं, संत वृक्ष सद ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु नहीं जरी मरता संसार। कबीर साहब कहते हैं ये संत एक वृक्ष है और शीतल शब्द एक छाया है, अगर संत ना होते तो संसार पता नहीं किस रसातल में चला जाता। साहब कहते हैं कि ये संत एक वृक्ष है और उनका विचार शीतल छाया है, अगर संत ना होते तो संसार पता नहीं किस रसातल में चला जाता। सदगुरु निर्मल साहब कहते हैं, भारत चला जात पाताल, यदि वह संत गुरु ना होते, जगमा लेते अविद्या छाए, दूसरा कौन प्रचारक वाय। वाल्मीकि नारद सुखदेव, शनकादिक वशिष्ठ गुरुदेव, कालो करो नाम विख्यात, जगत में राम कृष्ण ना होते। भारत चला जात पाताल, यदि वैशंत गुरु ना होते, इनकी शक्ति हुई अवतार, सारा हरण किया भूभार, तुलसी सूर कबीर कृपाल, जो अब दयानंद कहलाते। भारत चला जात पाताल, यदि वैशंत गुरु ना होते, हिंदू हो जाते क्रिस्तान, जो ना होते संत शयान, करता कौन आज प्रतिपाल, सब ही हिंसा धर्म बताते। भारत चला जात पाताल, यदि वैशंत गुरु ना होते। सदगुरु निर्मल साहब कहते हैं, अगर भारत में अगर संत गुरु ना होते तो पता नहीं यह भारत, ये समाज किस रसातल में चला जाता। जब भी हमारे देश में संकट आया है, संत गुरु की ही कृपा रही है, समाज में जो पाखंड है, कुरूतियां हैं, अंधविश्वास है और जो कला है, उसके निवारण का एक ही आधार है, वो है ज्ञान है, वो है गुरु ज्ञान है। वो गुरु ज्ञान से ही जीवन का जो कलेमश है वो दूर होता है, मन का विकार दूर होता है और जीवन स्वच्छ और निर्मल और पवित्र होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु की शरण में जाओ, सदगुरु की शरण में ही सच्चा सुख मिलता है। सदगुरु शरण जाए के यहाँ तक वे कहते हैं, सदगुरु की शरण में जाकर के ही मन के विकार, मन के कलिमश दूर होता है। हमारे संचालक साहब ने समय नहीं बताया, इसलिए मैं बढ़ाऊंगा नहीं, यहीं पर विराम मैं देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।
अभी हम लोग पूज्य साहेब जी के सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। संत समाज के विषय में साहेब बता रहे थे, जहां संत होते हैं वहीं सत्संग होता है, और मनुष्य के जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा लाभ है। आदमी के जीवन में जो भी कर्म होता है, अच्छा या बुरा, उसके विचारों से होता है। अगर विचारों में हमें परिवर्तन लाना है तो सत्संग बहुत आवश्यक है, जरूरी है। सत्संग से ही हमारे विचार बदलेंगे, और विचार बदलेंगे तो हमारा कर्म बदलेगा, और कर्म बदलेगा तो जीवन बदलेगा, क्योंकि कर्म के आधार पर ही हमारे जीवन को आंका जाता है। किसी व्यक्ति को समाज चोर कहता है, क्यों करता है, कहता है क्योंकि उसका कर्म चोरी करने का है, इसलिए चोर कहता है। उस व्यक्ति को चोर किसने कहलवाया? उस व्यक्ति को चोर उसके कर्म ने कहलवाया। एक व्यक्ति शराबी है, शराब पीने का कर्म करता है, समाज उसको शराबी कहता है। क्या वो शराबी पैदा होकर के आया? क्या शराबी की कोई जाति होती है? नहीं। शराब पीने का कर्म करता है, इसलिए समाज उसको शराबी कहता है। हमारे कर्म ही हमें आंकते हैं, और समाज उसी के अनुसार संबोधित भी करता है। किसी को समाज शराबी कहता है, किसी को चोर कहता है, किसी को जुआड़ी कहता है, किसी को हत्यारा कहता है। कारण क्या है? कर्म है। जैसा हम कर्म करेंगे, समाज उसी के अनुसार हमको संबोधित करेगा। किसी व्यक्ति को समाज साधु कहता है, डॉक्टर कहता है, इंजीनियर कहता है। क्यों? क्योंकि उसका कर्म वैसा होता है। तो हमें देख लें, हमें समाज हमको क्या कहता है। अगर समाज वैसा कहता है तो हमारा कर्म वैसा है। तो अभी बहुत सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे हम सब। आइए आगे विचार रखने के लिए और भी संत गुरुजन मंचासीन हैं, और हमारे साधवी बहनें भी मंचासीन हैं। आप लोगों के तरफ से भी कुछ होना चाहिए। तो आइए आगे विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ, कचना गांव, हाँ नवा गांव कचना से पधारी हुई सुश्री साध्वी बहन समता साहेब से, कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। भाई माइक वाले भैया कहाँ गए? माइक तो कम से कम एक आदमी रहो, और माइक तो भैया पहुंचा दिया करो। हाँ, और तार भी तो, तार फैला दो, नहीं तार उलझ जाएगा। और थोड़ा साउंड देख लेना भैया। अच्छा, कम करवाएं क्या? ऊपर का कम कर दो, कम से कम मॉनिटर यहाँ का तो सही रखो। ठीक 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 हेलो हेलो ठीक 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 हेलो हेलो ठीक ठीक बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्ति की स्रोत ममतामयी माताओं की जय। परम पूज्य परम श्रद्धे गुरुदेव जी,
मंच पर विराजमान वंदनी संत समाज, सम्माननीय आत्मी बंधुओं, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, आप लोगों के समक्ष मैं भी अपना कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। महात्मा बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में बैठे कुछ ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, तो एक शिष्य ने पूछा कि भगवान कर्म क्या है। शिष्य ने प्रश्न पूछा कि भगवान कर्म क्या है, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको मैं एक कहानी बता रहा हूँ, एक घटना बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग बताना कि कर्म क्या है। भगवान बुद्ध ने शिष्यों को वो कहानी बताना प्रारंभ किया कि एक राजा था और राजा जो है अपने मंत्री के साथ नगर भ्रमण में निकले हुए थे। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री बाजार में पहुंचे और बाजार में दोनों तरफ दुकानें लगी हुई थी। राजा घोड़े पर सवार था और उसने एक दुकान की तरफ अपनी दृष्टि घुमाई और दुकानदार को देखते हुए राजा साहब मंत्री से कहने लगा कि मैं इस दुकानदार को मौत की सजा दूंगा। मंत्री सोच में पड़ गया, मन ही मन मंत्री विचार करने लगा कि ये दुकानदार न कभी राजमहल में गया है न इसका राजा से किसी प्रकार का संपर्क है। फिर राजा जो है अचानक इस दुकानदार को मौत की सजा क्यों देना चाहता है, मंत्री के समझ में नहीं आया। बात आई गई, दोनों राजमहल पहुंच गए। दूसरे दिन मंत्री जो है साधारण वेशभूषा में उस दुकानदार के पास पहुंचे और पता किए कि वो किस चीज़ की दुकानदारी करता है। दुकान में पहुंचकर मंत्री जो है पूछने लगा कि तुम किस चीज़ की दुकानदारी करते हो, तो दुकानदार कहने लगा कि भाई साहब मैं चंदन लकड़ी बेचने का काम करता हूँ। तो मंत्री ने फिर प्रश्न किया कि तुम्हारी दुकानदारी कैसे चलती है, तो दुकानदार कहने लगा कि भाई साहब क्या बताऊँ, ग्राहक तो आते हैं और चंदन की लकड़ी को हाथ में लेते हैं लेकिन उसकी खुशबू को सूंघ लेते हैं, ले लेते हैं और खरीदते नहीं हैं। तो मंत्री कहने लगा जब कोई आपके दुकान से चंदन की लकड़ी खरीदते नहीं हैं तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा, कैसे तुम्हारा गुजारा होगा। दुकानदार कहने लगा कि मैं इसी इंतजार में हूँ कि मेरी चंदन की लकड़ी बिके लेकिन ग्राहक आते हैं और चले जाते हैं। तो मंत्री ने कहा कि और आगे क्या सोचे हो, तो दुकानदार ने कहा कि मैं एक ही बात विचार करता हूँ, एक ही बात सोचता हूँ कि इस नगर का राजा मर जाए और मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाए। मंत्री के समझ में आ गया कि बात कहाँ से बिगड़ रही है। मंत्री उस दुकान से चंदन की लकड़ी लेकर के राजभवन में पहुंचा और राजा साहब के पास चंदन की लकड़ी राजा साहब को भेंट स्वरूप दिए और मंत्री कहने लगे कि राजा साहब ये उसी दुकानदार के दुकान की लकड़ी है जिसे आप फांसी की सजा देना चाहते हैं, मौत की सजा देना चाहते हैं, ये आपको उपहार स्वरूप भेजे हैं। राजा साहब चंदन की लकड़ी को हाथ में लेकर उसकी खुशबू को सूंघ करके बहुत प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए और कहने लगे कि
कि इतना बढ़िया चंदन की लकड़ी। मंत्री से कहने लगे कि मंत्री, जब भी आश्रम राजभवन में कुछ कार्यक्रम हो, चंदन की लकड़ी की आवश्यकता हो, तो उसी दुकान से हम लोग चंदन की लकड़ी खरीदेंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। और वो दुकानदार जो है भेंट में चंदन की लकड़ी मेरे लिए भेजे हैं, तो आप मेरे तरफ से उन्हें स्वर्ण मुद्राएं उस दुकानदार को भेंट स्वरूप दे देना। दुकानदार मंत्री जो है दुकानदार के पास पहुंचा स्वर्ण मुद्रा लेकर और कहने लगे कि राजा साहब, आपको ये उपहार में भेजे हैं स्वर्ण मुद्राएं। दुकानदार राजा साहब के उस भेंट को पा करके बहुत खुश हुए और कहने लगे कि राजा तो बड़े दयालु हैं, राजा तो बड़े कृपालु हैं। पहले उनके अंदर क्या विचार चल रहा था कि इस नगर का राजा मर जाए और मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाए, अब उसके विचारों में परिवर्तन आ गया। कहने लगा कि राजा बड़े दयालु हैं, राजा बड़े कृपालु हैं। तो इस तरह हमारे जो विचार होते हैं उसी के आधार पर हमारा कर्म बनता है। तो भगवान बुद्ध ने शिष्यों से प्रश्न किया कि बताओ बेटा, कर्म क्या है? तो सभी लोग अपने अपने ढंग से उत्तर देने लगे। किसी ने कहा कि हमारे शब्द ही कर्म हैं, किसी ने कहा कि हमारी वाणी ही कर्म है, किसी ने कहा कि हमारे विचार ही कर्म हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटा, हमारे विचार ही कर्म हैं। जैसा हम सोचते हैं उसी के आधार पर हम कर्म करते हैं, इसलिए विचार को शुद्ध करने की आवश्यकता है, विचार को पवित्र बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि विचार यदि शुद्ध होगा तो हमारा जो कर्म होगा वो भी शुद्ध होगा और जीवन अच्छा बनेगा। और यदि विचार ठीक नहीं है, विचार नकारात्मक है, विचार जो है गलत भावनाओं से भरा हुआ है, तो हमारा कर्म कभी अच्छा हो नहीं सकता। और यदि कर्म अच्छा नहीं तो जीवन भी अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे सोच के आधार पर ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए हम बढ़िया सोचें। यदि अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छा सोचने का प्रयास करें, अच्छे विचार अपने अंदर लाने का प्रयास करें, तब हम अच्छा बन सकते हैं। बढ़िया मकान बनाकर, बढ़िया कपड़ा पहनकर, बढ़िया मोटर गाड़ी खरीद करके हम अच्छा नहीं बन सकते। जब तक हमारा विचार अच्छा नहीं होगा तब तक हमारा जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है। इसलिए हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार हैं यही हमारे जीवन में जहर घोलते हैं, जीवन को विषाक्त बनाते हैं। जितने हमारे अंदर नकारात्मक विचार उड़ते चले जाएंगे उतना ही हमारा जीवन जो है गर्त की ओर बढ़ता चला जाएगा। और जीवन में जो सुख जो शांति आनी चाहिए वो शांति और सुख हमारे जीवन में स्थापित नहीं हो पाएगी। लेकिन लोग इस पर विचार कहाँ करते हैं, रात और दिन घृणा नफरत ईर्ष्या द्वेष इसी आग में रात दिन जल रहे हैं और सुख बाहर ढूंढ रहे हैं। तो सुख बाहर नहीं है, सुख हमारे अंदर है। यदि हमारे अंदर शुद्ध विचार है और हमारे अंदर किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष और घृणा नफरत की भावना नहीं है तो समझ लो हमारा जीवन सही दिशा में जा रहा है। और यदि हमारे अंदर नकारात्मक विचार हैं तो हमारा जीवन कभी अच्छा बनने वाला नहीं है। इसलिए विचार को शुद्ध करने की आवश्यकता है, विचारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जितना हमारे अंदर गलत विकार और बुराई हमारे अंदर संग्रहित होंगे उतना ही हमारा जीवन जो है दुख की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, करहु विचार ते सब दुख जाए। विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में दुख क्यों है, हमारे जीवन में तनाव क्यों है, हमारे जीवन में परेशानी क्यों है, हमारे जीवन में समस्याएं क्यों है, हम एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार क्यों नहीं कर पाते, कमी क्या है। जब तक उस कमी को हम जानेंगे नहीं, उस कमी को हम निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है। हम सोचते हैं कि लोग हमसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करें तो हम स्वयं प्रेम से सामने वाले के साथ व्यवहार करना शुरू कर दें। हम सोचते हैं कि लोग हमारे साथ मीठी वाणी में बर्ताव करें तो हम भी मीठी वाणी में लोगों के साथ
प्रेम पूर्ण बर्ताव करना शुरू कर दे, तब वो स्थिति बनेगी, तब वो माहौल बनेगा। इसलिए जो हम देते हैं वही हमें लौट करके मिलता है। ये प्रकृति का एक नियम है। हम दूसरों के साथ ईर्ष्या द्वेष की भावना पाल करके रखेंगे तो वहां से कभी प्रेम मिलने वाला नहीं है। जो देते हैं वही लौट करके मिलता है, ये प्रकृति का एक नियम है। इसलिए जो हम अपने अंदर विचार पाल करके रखे हैं वही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसलिए कहा भी गया है कि विचारों को सुन करके जीवन में परिवर्तन नहीं आता, बल्कि विचारों पर चल करके ही जीवन में परिवर्तन आता है। विचार को बदलने की आवश्यकता है, लेकिन हम इस बात पर विचार नहीं करते, सोचते ही नहीं। इसलिए जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, जीवन में जितने भी परेशानियां हैं, उनमें मूल कारण हमारा गलत सोच, गलत विचारधारा है। उसे बदलने की आवश्यकता है। घर परिवार में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, देवरान जेठान में, पड़ोस पड़ोस में तनाव क्यों है? एक दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार क्यों नहीं है? नकारात्मक सोच के कारण। जब तक ये नकारात्मक सोच हमारे अंदर रहेंगे, तब तक जीवन में जो सुख जो शांति होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। एक उदाहरण है कि एक टीचर जो है बच्चों से कहने लगे कि बच्चों अपने अपने घरों से 5-5 आलू ले आना और उस आलू को पन्नी में भर करके लाना। बच्चे जो है अपने अपने घर से 5-5 आलू लेकर के आए। फिर उस टीचर ने कहा कि इस आलू में उनका नाम लिखो जिनसे तुम ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो। तो बच्चे थे, भोले भाले बच्चे थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उस आलू में जिसे उनसे बच्चों में हो जाती कभी लड़ाई तो उनका नाम वही लिख दिए। फिर टीचर ने कहा कि इसे अपने पास रखे रहो। फिर बच्चों ने कहा कि इसे कब तक रखेंगे? तो टीचर ने कहा कि रखो 4-5 दिन तक रखो। फिर बच्चे जो है उस आलू को पन्नी में बांध करके घर ले जाते थे और घर ले जा करके फिर स्कूल ले करके आते थे और उसमें खुदे हुए थे नाम, तो उसमें खरोच आने के कारण आलू जो है सड़ना शुरू हो गया। फिर उसमें दुर्गंधी आने लगी। बच्चे लोग परेशान हो गए क्योंकि जहाँ दुर्गंधी आती है वहाँ एक मिनट भी रहना बैठना मुश्किल होता है। फिर तो बच्चे लोग जो है उसे रोज स्कूल ले जा रहे थे और स्कूल से फिर घर ले जा रहे थे, बस ये रोज का काम था। बच्चे लोग जो है परेशान हो गए। फिर टीचर ने कहा कि अच्छा बच्चों बताओ वो आलू जो आप लोग रखे हैं उसकी हालत क्या है? तो बच्चे लोग कहने लगे कि सर उसमें तो इतनी दुर्गंधी आ रही है कि उसे हम अपने पास रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है। तो फिर टीचर ने कहा कि बच्चों जिस आलू में तुमने जिन जिन लोगों के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना उसका नाम खुद करके रखे हो और वो सड़ रहा है और उसकी सड़न के कारण आप लोगों को घुटन महसूस हो रही है, तो आप लोग स्वयं विचार करिए जिन जिन लोगों के प्रति आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष जलन की भावना है, नफरत की भावना है और उसे पाल करके हम अंदर रखे हैं, तो हमारा जीवन कितना सड़ रहा है, हमारे जीवन में कितनी दुर्गंधी आ रही है, इस पर हम कभी विचार नहीं करते। तो एक उदाहरण है समझाने के लिए कि हमारे अंदर जितने विकार हैं, जितने विकृति हमारे अंदर हैं, जीवन उतना सड़ता चला जाएगा। और जीवन में जो हमारे जीवन में जो खुशी जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो दिनों दिन घटती चली जाती है। इसलिए जीवन में यदि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने अंदर जो विकृति है, अपने अंदर जो विकार है, अपने अंदर जो बुराई है, उसे हम निकालने का प्रयास करें, तब जीवन अच्छा बनेगा। खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से, बढ़िया मकान बना लेने से जीवन में खुशी नहीं आती, जीवन में आनंद का अनुभव नहीं होता। असली आनंद का अनुभव हमारे पवित्र मन में है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा विकारी मन है और हमारा सबसे बड़ा मित्र हमारा शुभ संस्कारी मन है। इसलिए मन को, अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है। जब तक सोच नहीं बदलेगा, मन बदलेगा, न वाणी बदलेगी और न ही हमारा कर्म बदलने वाला है। इसलिए मुख्य
केंद्र में हम अपने सोच को रखें, सोच को शुद्ध बनाने का प्रयास करें, सोच में जो गलत भावनाएं हैं, गलत संस्कार, उसे हटाने का प्रयास करें। हमें विवेक और विचार की दो शक्ति मिली हुई है। जब तक हम विवेक नहीं करेंगे, सही ढंग से हम विचार नहीं करेंगे, जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है। इसलिए हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। इसलिए हम अपने सोच को बदलने का प्रयास करें। यदि हमारा सोच नहीं बदला तो हम कितना भी मंत्र जाप कर ले, पूजा उपवास कर ले, तीर्थ यात्रा कर ले, कितना भी यज्ञ हवन कर ले, दान पुण्य कर ले, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए कहा भी गया है कि गंगा में डुबकी लगाने तीरथ गए हजार, इनसे क्या होता है जब बदले नहीं विचार। विचार को बदलने की आवश्यकता है। विचार बदल गया, विचार शुद्ध हो गया, विचार में शुभ संस्कार यदि संग्रहित हो गए तो हमारा बाहर भटकना बंद हो जाएगा। इसलिए हम बाहर तीर्थों में, नदियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में न भटकें, बल्कि अपने विचारों को हम बदलने का प्रयास करें, अंदर से अपने आप को बदलने का प्रयास करें, तब जीवन अच्छा बनेगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग साहिब जी के बहुत सुंदर विचारों से हम सब लाभान्वित हो रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव जी कुछ ही मिनटों में मंचासीन होने वाले हैं और एक भजन भी हमें श्रवण करना है गुरुदेव जी के आशीर्वचन के पूर्व। और भजन कलाकार मंचासीन है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपना भजन हम लोगों के बीच रखें। हेलो हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। बोले सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आइए सज्जनों, देवियों, संतों के द्वारा आदेश हुआ है कि एक भजन, तत्पश्चात आपके बीच गुरुदेव पधारने वाले हैं। समस्त ग्रामवासियों से निवेदन, पंडाल थोड़ा खाली लग रहा है भाई, तो आपसे निवेदन है कि अपने गृह कार्य को करके जल्द से जल्द सत्संग स्थल बनाने की महान कृपा करेंगे। धन्यवाद। उम्र भर आदमी यही गलतियां करता रहा। उम्र भर आदमी यही गलतियां करता रहा। धूल धूल चेहरे पे और आईना मलता रहा।
अब तो बस तेरी दया का तेरे चरण में आए साथ की तरह हम तेरे चरण में आए मुसाफिर की बोलिए सदगुरु देव की जय। हाँ भजन भैया भजन आप पूरा करिए।